पूरे देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने का क्रम जारी है। रविवार को एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 6,977 नए मरीज मिले हैं। ये एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों के रखने के लिए नई व्यवस्थाएं भी करनी पड़ रही हैं। इसी क्रम में गाजीपुर में भी कोरोना संक्रमित नए मरीजों को रखने के लिए एक खास अस्पताल बनाया गया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद CHC में बने 30 बेड के कोविड 19 लेवल 1 हॉस्पिटल से अटैच शहीद स्मारक राजकीय डिग्री कॉलेज में भी अतिरिक्त 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इसे 100 बेड के नए कोविड 19 लेवल 1 अस्पताल का रूप दिया गया है। आपको बता दें कि पहले गाजीपुर से कोरोना संक्रमित मरीजों को बनारस के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा जा रहा था। वहां बेड भरने के बाद मरीजों को जौनपुर भेजा गया। अब इसके बाद मोहम्मदाबाद में ये दो अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जनपद में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए अब से मरीज मोहम्मदाबाद में भर्ती किए जाएंगे। इसी संभावना को देखते हुए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता और खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह की देखरेख में डिग्री कॉलेज को सफाई के बाद सैनिटाइज किया गया। इसके बाद 12 वार्ड और 100 बेड की व्यवस्था कर इसे कोविड-19 स्पेशल अस्पताल का रूप दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।